हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेज इन अक्चर फॉर योलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन्स क्रैश कोर्स जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये जुड़े हुए हैं पोलिटिकल थ्योरी एज वेल एज इंडियन पोलिटिकल थाट के सेगमेंट से नहीं? तो हमारा जो सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन है वो भी शुरू हो गया था मंडे ऑनवर्ड्स जो है हमारा शुरुआत हो गई थी जहाँ पे हमने डब्ल्यू पी टी के जो सबसे इम्पोर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स हैं उनकी समरी वाया माइंड मैप्स जो है देखी थी तो आपके नौ के नौ थिंकर्स जो हैव बीन समराइज्ड वाया माइंड मैप्स तो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं अपने थिंकर्स को और इनके इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स को बाय लुकिंग एट दिज माइंड मैप वीडियोस ठीक है अगर आप मेंस 2022 की भी तैयारी नहीं कर रहे थे अगर आप 2023 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए आल्सो इट कैन बी अ वेरी गुड वे टू फेमिलियइज़ योर सेल्फ विद थिंकर्स क्या बोलते हैं ये क्या इनके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या इनके इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं इन सब के साथ जो है आपकी फेमिलियरिटी जो है ग्रो हो सकती है इट्स नाउ विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स लुक एट कौन से क्वेश्चन के साथ आज हम डील करेंगे पहला इज अ ट्वेंटी नाइनटीन का शॉर्ट क्वेश्चन टेन मार्कर का जो है ये क्वेश्चन है विच इज अबाउट राइटिंग अ शॉर्ट नोट ऑन प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट ठीक है तो आपको पता होगा कि वेन वी कवर स्टेट स्टेट ऑल्सो मच लाइक मोस्ट अदर पी एस आई आर के कॉन्सेप्ट इज एन एसेंशली कंटेस्टेड कंसेप्ट एट गैली की इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मतलब क्या है कि कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन के ऊपर अग्रीमेंट नहीं है exactly right? तो दिस इज व्हाट स्टेट मीन्स और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्टेट स्टैंड्स फॉर राइट तो देर आर मल्टीपल मीनिंग्स मल्टीपल वेज इन विद स्टेट एंड इट्स रोल हैज कम टू बी इंटरप्रेटेड विद इन पोलिटिकल थ्योरी राइट तो इसी के अंदर जो है हम देखते हैं तो ते तेरा आपके जो मोनस्पूल है उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दी है एंड इसके अगेंस्ट जो है आपके प्लूरलिस्ट थिंकर्स आ जाते हैं जो कि अपनी एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन देते हैं स्टेट जहाँ पे मिनिस्टिक थिंकर्स लाइक ऑस्टिन एक्सेट्रा जो है बोडिन ऑस्टिन इनका मानना होता है कि स्टेट जो है एक एंड ऑल है सबसे इम्पॉटेंट इंस्टीट्यूशन है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के अंदर वहीं पे प्लूरलिस्ट का मानना है दैट इट्स नॉट जस्ट द स्टेट पर इनफैक्ट प्लेथोर ऑफ एसोसिएशन जो कि ये बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन निभाते हैं विच मेक अ मैनज गुड लाइफ पॉसिबल इन द सोसाइटी एंड स्टेट इज़ जस्ट वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि बाकी एसोसिएशन्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का रोल एक अंपायरिंग का रोल जो है वो प्ले करती है तो इसी के ऊपर जो है हम और चर्चा करेंगे The next question, which is from 2017, is regarding Indian political thought and deal karta करता है श्री और बिंदो के बहुत ही bahut hi बहुत ही of swaraj se. स्वराज से ठीक है तो ये स्वराज के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो बहुत ही पेचीदा थोड़े स्परिचुअल कॉन्सेप्ट होते हैं दो कैन भी ब्रोकन डाउन एंड कॉरपोरेटेड विद एग्जाम्पल्स रेलिवेंट इंटर लिंग्वेज इन योर आंसर बिफोर मूविंग अहेड जस्ट टू लेट यू नो दैट इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू मतलब आप पेपर दे रहे हैं अपना मेन्स uh, दे रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू में अलोंग विद द रिविजन थ्रू दिस क्रैश कोर्स

ठीक है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन द नंबर लिस्टेड बिलो या फिर हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं देन वेरी इंपॉर्टेंटली इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड 2023 के अटेम्प्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं देन दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड बी एनरोल्ड इन एन ऑप्शनल कोर्स एंड आप अपनी ऑप्शनल की एंड टू एंड कवरेज जो है उसको इंश्योर कीजिए बिफोर दिसंबर राइट बिफोर डिसम्बर आपका पूरा ऑप्शनल ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि जनवरी ऑनवर्ड जो है आप जी एस पे और फोकस कर सकें एंड देन उसके बाद एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो रख सकें ठीक है तो इसीलिए हमारा बैच थ्री जो है अब अवेलेबल हो गया है राइट विच इज़ अ ऑनलाइन बैच फॉर पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जिसके अंदर ओवर थ्री हंड्रेड प्लस लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं विच कवर ईच एंड एवरी सब टॉपिक जो कि आपके लेक्चर में जो कि आपके पी एस आई आर के सिलेबस में है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली गिवन द फैक्ट पी एस आई आर एक बहुत ही डायनामिक ऑप्शनल है तो उस डायनेमिज़म के साथ डील करने के लिए भी जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंटली हम आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे जो कि मंथली बेसिस पे दिए जाएंगे ठीक है सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जून की बात की जाए तो जून के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं उनको हम बहुत बढ़िया तरीके से रिसर्च करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एडिटोरियल वेबसाइट्स और सोर्सेस से कंपाइल करके इंफॉर्मेशन जुलाई के अंदर आपको मिल जाएंगे जून के करंट अफेयर्स इसी तरह से जुलाई के करंट अफेयर्स जो हैं आपको ऑगस्ट के अंदर मिल जाएंगे राइट right? तो so, आपका डायनामिक पोर्शन भी जो है साथ साथ में कवर होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल स्टार्टिंग एट रुपीज इलेवन थाउजेंड नाइन नाइन्टी नाइन ठीक है तो आप जो है कॉल कर सकते हैं एंड इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फॉर इनरोलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इफ़ you're अ स्टूडेंट जो कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया से है मतलब चंडीगढ़ पंचकोला, मोहाली जीरकपुर ऐसी किसी भी प्लेस से आप बिलोंग करते हैं एंड यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं नाउ देर इज नो नीड टू मूव टू डेली एंड अदर प्लेसेस फॉर कॉम्प्रीहेंसिव प्रेपरेशन ऑफ़ यूपीएससी पी इट वी रियलाइज दैट अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स लुक फॉर फिजिकल क्लासेस बिकॉज़ उनको उस तरह का माइंडसेट मिल जाता है दे फील मोर डिसिप्लिन दे फाइंड अ पियर ग्रुप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने को मिल जाता है तो इसीलिए अब पहली बार आपकी चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया में इन मोहाली यू विल हैव वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स टू प्रिपेयर फॉर यू पी एस सी एट विच इज़ स्लीपी क्लासेज ठीक है सो स्लीपी क्लासेस इज़ नाउ गोइंग ऑफलाइन पहला एंड ओनली बैच ऑफ द ईयर आएगा सो so कोई मल्टीपल बैचेस नहीं है मल्टीपल टाइमिंग्स नहीं होंगे एक ही बैच विद डेडिकेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑन द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द बैच एंड जिनके लिए ऑफलाइन क्लासेस जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी इसकी डिटेल्स जानने के लिए इम्पॉर्टेंटली आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं साथ ही में जो ओरिएंटेशन क्लासेस हैं ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई 2022 से शुरू हो जाएंगी तो आई वुड सजेस्ट प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड जल्द से जल्द एनरोल फॉर दीज टू गेट द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव क्लासरूम प्रपरेशन इन चंडीगढ़ चाय सिटी एरिया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू वर्स अ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो कि किसके बारे में था प्लोरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में था एंड शॉर्ट नोट बहुत ही ब्रीफ क्वेश्चन है बहुत ही एक इजी uh, क्वेश्चन जो है मैं ये मानूंगी आपने क्या करना है यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट इन प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट शॉर्ट नोट का क्या मतलब है बेसिकली आपने डिस्कस कर लेना है राइट यू हैव टू टेल देम ऑल अबाउट प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट राइट जिस जो कि कवर करता हो ए वाई डिड इट इमर्ज बी वॉट आर इट्स मेन फीचर्स ठीक है क्या मेन फीचर्स ऑफ द स्टेट के बारे में बात करते हैं जो प्लूरलिस्टिक थिंकर्स हैं देन एक क्रिटिकल असेसमेंट जो है इसकी प्रोवाइड करनी है बिफोर एंडिंग द आंसर विद अ रेलिवेंट कंक्लूजन ठीक है अगर आप इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर देते हैं तो आपका शॉर्ट नोट जो है वो कंप्लीट है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी टीच यू इन द स्ट्रक्चर एज वेल इन द इंट्रोडक्शन पार्ट यू कैन बी डीलिंग विद द वाई पार्ट ऑफ द शॉर्ट नोट दाई इज इट वॉट व सर्टन कंडीशन दैट लेड टू द इमरजेंस ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट तो पहले जो है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है डोमिनेंट होता था हाउएवर देयर वर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स इन इट व्हिच लेड टू द राइज़ ऑफ प्लूरलिस्टिक थॉट एंड द प्लूरलिस्टिक कांसेप्ट ऑफ स्टेट देन यू कैन इन द बॉडी यू कैन टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन दैट व्हाट इज इट यू अंडरस्टैंड बाय अ प्लुरलिस्ट कांसेप्ट ऑफ स्टेट या इनके फीचर्स हैं कौन से थिंकर्स किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं क्लूरलिस्ट नोशन ऑफ स्टेट को इन सारी चीज़ों को आपने डिस्कस करना है बिफोर यू मूव ऑन टूवर्ड्स अ क्रिटिकल एनालिसिस एंड देन द कंक्लूजन ऑफ द आंसर व्हिच पॉइंट्स टू द रेलिवेंस ऑफ द क्लूरलिस्टिक स्टेट अराउंड यू ठीक है तो इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप एलैबरेट कर देते हैं तो आपका एक अच्छा होलिस्टिक आंसर जो है प्रिपेयर हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ इंपॉर्टेंटली इंट्रोडक्शन में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि क्या कि स्टेट मच लाइक मेनी अदर ऑफ कॉन्सेप्टल साइंस इज एन एसेंशली कंटेस्टेड कॉन्सेप्टर इज नो वन स्टिक डेफिनेशन देर इज नो वन स्ट्रिक डेफिनेशन ऑफ स्टेट विच कैन बी अप्लाइड टू ऑल स्कूल ऑफ थाट थियोरीज एंड आइडियोलॉजीज देफो स्टेट क्या है है एक essentially contested concept बन के रह जाता है। पर जबी भी हम Political Science की बात करते हैं जैसे कि गैटल ने बोला या गार्डनर ने बोला राइट गार्डनर है राइट जैसे कि गैटल या गार्नर ने बोला था कि पॉलिटिकल साइंस का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है वो स्टेट है डेफिनेशन फिक्स नहीं है बट स्टेट क्या है क्या इसके फंक्शन हैं क्या इसके इशूज़ हैं किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हैज बीन वन ऑफ द प्राइमरी फोकस एरियाज ऑफ पोलिटिकल साइंस Now अर्ली ऑन when वी लुक एट political थ्योरी हम देखते हैं कि अ लार्ज पार्ट ऑफ political साइंस एंड थ्योरी फोकस्ड ऑन what वी अंडरस्टैंड एज द मिनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट जहाँ पे स्टेट को जो है एक एंड ऑल

या स्टेट आ जाए आंसर जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहेगा बिकॉज सोवरेनिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच इज इसेंशली टाइड टू दैट ऑफ स्टेट है ना जब हम स्टेट करते हैं हम स्टेट के चार एलिमेंट्स करते हैं उनमें से एक एलिमेंट आपका सोवरेनिटी होता है एक एलिमेंट आपका गवर्नमेंट होता है एक आपका होता है टेरिटरी एंड एक ऑब्वियसली आपका होता है पॉपुलेशन ठीक है तो ये जो सॉवरिनिटी का आइडिया है ये बेसिकली स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि स्टेट के पास कंप्लीट पावर है टू मेक फॉर्मुलेट रूल्स पॉलिसीज स्कीम्स एंड एवरी अबाउट हाउ द स्टेट शुड फंक्शन इन इट्स डोमेस्टिक अफेयर्स एज वेल एज एज इन इट्स फॉरेन पॉलिसी का स्टेट तो मोनिस्टिक थियोरी स्टेट जो है अल्टीमेट पावर जो है किसके हाथ में दे देते हैं स्टेट के पास दे देते हैं

एड नीज में भी रिलीजियस ग्रुप्स मीडिया ग्रुप्स इकोनमिक ग्रुप्स एक ढेर सारे ऐसे ग्रुप्स जो है एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लूरल थ्योरी जो स्टेट है स्टेट इज वन ऑफ दीज मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर जो एग्जिस्ट करते हैं एट इन द स्वेयर ऑफ रिलीजन देर माइट भी रिलीजियस असोसिएशन एंड ग्रुप्स इट्स फॉर एग्जांपल इफ़ यू बिलोंग टू से आप क्रिस्टानिटी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो चर्च है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है वैटिकन पोप जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो उनसे जुड़े जो है पूरी बॉडीज हैं एसोसिएशन हैं हम काम भी करते हैं राइट वी गो टू आर जॉब्स इफ यू आर स्टूडेंट हम कॉलेज एक्सेट्रा जाते हैं तो यहाँ पे हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कुछ और एसोसिएशन एंड ग्रुप्स ऑल्सो राइट्स फॉर एग्जाम्पल ट्रेड एसोसिएशन वर्कर्स यूनियन सो वन सो फोर्थ ठीक है तो इस तरह से मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं एंड जो कंटेम्प्रेरी स्टेट है इन्हीं एसोसिएशन में से एक है राइट right? सो so इसीलिए जो पूरी सोसाइटी है राइट right? जो कंटेम्प्रेरी स्टेट नहीं यहाँ पे सोसाइटी होना चाहिए जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है वो बहुत ही हेट्रोजीनस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जो हम लोग हैं हमारी मल्टीपल नीड्स हैं जिनके लिए मल्टीपल ग्रुप्स एंड एसोसिएशन बनाए गए हैं सो टू इमेजिन दैट स्टेट कैन बी दी ओनली इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच कैन फुलफिल ऑल आर नीड्स एंड मेक आज हैप्पी इज समथिंग राइट आउट ऑफ आउट ऑफ अ फंटेस्टिकल नावल ये मानना है आपके प्लूरलिस्ट का ठीक है तो उनका उनको लगता है कि एक एब्सोलूट थ्योरी ऑफ स्टेट जो कि मोनिस्टिक थ्योरी के थिंकर्स करते हैं ना ही ये एग्जिस्ट करती है राइट सो अ नंबर ऑफ थिंकर्स इन फैक्ट पॉइंट आउट एंड कॉल इट लीगल फिक्शन राइट मैक्सी जैसे थिंकर्स जो हैं आगे इसको लीगल फिक्शन बोलेंगे बहुत सारे और थिंकर ये बात करते हैं कि हिस्टोरिकली हमने कभी भी इस तरह की एब्सलूट अनहिंडर्ड सॉवरिटी कहीं नहीं देखी है नो मैटर हाउ स्ट्रांग अ रूलर वॉज देर वॉज ऑलवेज अ बैलेंसिंग बॉडी विच वॉज अवेलेबल चाहे वो रिलीजियस बॉडीज होती थी चाहे वो मीडिया हाउसेज होते थे चाहे वो नोबिलिटी होती थी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एग्जिस्ट करती थी जो कि अंडरकट कर देती थी उनके अथॉरिटी को ठीक है ना ही वो बोलते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी बात है जैसे कि अब हम हॉब्स की क्रिटिसिज्म में कई बार बोलते हैं कि हॉब्स स्टार्ट्स ऑफ एस एन इंडिविजुअलिस्ट बट वो एप्सोलूटिस्ट बन जाते हैं एप्सोलूटिस्ट क्यों बन जाते हैं वो बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ऑलमोस्ट एप्सोलूट पावर्स जो कि वो अपने लेवियाथन को सौंप देते हैं विद नो चेक्स एंड बैलेंसेस और एनी राइट टू रिवोल्ट टू द पीपल ठीक है तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ना ही एग्जिस्ट करती आई है और ना ही डिजायरेबल है ये एप्सलूट सेंस ऑफ सॉवरेनिटी ये प्लूरलिस्ट थिंकर्स का मानना है तो दरा नंबर ऑफ प्लूरलिस्ट थिंकर्स जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं आपने हर किसी के आइडियाज़ को डिस्कस नहीं करना आप उनमें से किसी एक को जो है चुन के एंड वो आइडियाज़ को हाईलाइट कर सकते हैं ठीक है सो देर आर थिंकर्स लाइक लास्की हो गए डाल हो गए मकाइवर हो गए पार्कर हो गए फुले हो गए ये सारे थिंकर्स हैं जो कि बात करते हैं आपके फ्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट की ना कैन गए प्रोसीड विद दिस आंसर प्रोसीड करने के लिए आपके पास दो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हो सकते हैं एक है कि आप थिंकर्स को कोट करें से फॉर एग्जाम्पल लास्की को डाल को ठीक है इसाया बर्लिन को मैं कोट करती जाऊंगी एंड उन्होंने क्या क्या बोला है अबाउट द प्लू थ्योरी ऑफ स्टेट उसको हम लिस्ट आउट करते जाएंगे अनादर स्ट्रक्चर जो कि अडॉप्ट किया जा सकता है जो कि अगेन काफी बेनिफिशियल हो सकता है इज दैट यू कैन लुक एट और यू कैन गिव सब हेडिंग ऑफ अ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट एंड देन प्रोसीड है अट फॉर एग्जाम्पल पहला फीचर हो गया स्टेट इज वन ऑफ मैनी असोसिएशन ठीक है तो यह हमने सब हेडिंग लिख दी अब इसको आप समझा दीजिए इसमें प्लूरलिस्ट थिंकर्स के आइडिया कोट कर दीजिए देन यू मूव टू द सेकेंड फीचर स्टेट प्लेज अ कोओर्डिनेटिंग रोल ठीक है फिर इसको समझाइए देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट के भी स्टेट इट सेल्फ इज अचर ऑफ लॉ ठीक है तो इस तरह से आप फीचर को लिस्ट आउट कर सकते हैं एंड देन एक्सप्लेन कर सकते हैं और वहां पे थिंकर्स जो है उन्हें कोट कर सकते हैं तो आईदर ऑफ द स्ट्रक्चर आप अपना सकते हैं एज इट सूट यू एज आपको चीजें याद आती है तो उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं दोनों ही बढ़िया तरीके हैं एंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे अब यहाँ पे हमने एक थिंकर वाली अप्रोच अपनाई है ताकि आपको थिंकर्स के बारे में भी पता लगता रहेगा जिनको आप कोट कर सकते हैं अब हैर लास्की आर्ग्यू करते हैं कि देखिए सोसाइटी खुद बहुत फेडरल है देफो टू इमेजिन कि स्टेट एक लौता एग्जिस्ट करेगा ये तो बहुत ही गलत बात होगी

लोगों के पास अल्टीमेट पावर है लोग चुनते हैं अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को एंड लोग ही इनको इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी से हटा भी सकते हैं देफो अंडर दिस नोशन ऑफ पॉपुलर सॉवरिनिटी जो आपका लीगल सॉवरन है जो आपकी गवर्नमेंट है उसको भी सुनना पड़ता है लोगों का ठीक है तो इसीलिए कोई भी एप्सलूट पावर या एप्सोलूट सॉवरिनिटी ना ही एग्जिस्ट करती है और ना ही करनी चाहिए व्हाई? बिकॉज इट कैन कर्व द इंडिविजुअलिटी फ्रीडम लिबर्टी ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल देयर बाय कर्टेलिंग देयर डेवलपमेंट ठीक है नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंटली लास्ट की बोलते हैं दैट इवन दो सोसाइटी एग्जिस्ट दिल्फ इज फेडरल स्टेट इट सेल्फ इज फेडरल का क्या मतलब है दैट इट इट उसकी जो पावर्स है आर लिमिटेड बाय अ नंबर ऑफ अदर बॉडीज एंड एसोसिएशन फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अगर हम स्टेट को देख लेते हैं तो इंडिया में ही फेडरल डिविजन ऑफ पावर्स है एक सेंट्रल लेवल पे जो हमारा यूनियन एग्जिस्ट करता है देन स्टेट्स जो हमारे प्रोविंस है वो भी एग्जिस्ट करते हैं देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द पीपल्स पावर ऑफ इंडिया ये भी कंस्टेन करता है स्टेट की पावर को साथ ही में यहाँ पर आप डाल को भी कोट कर सकते हैं ठीक है डाल का नोशन ऑफ पॉलिटर की जो था जो कि बात करता है कि किस तरह से स्टेट जो है इज वन ऑफ द नंबर ऑफ एसोसिएशन जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन द सोसाइटी अब लास्ट एक और चीज कहते हैं दैट इवन अ नंबर ऑफ एसोसिएशन स्टेट जो है प्लेस अ की स्टोन इन दर सोसाइटी का आर्किटेक्चर स्टेट as एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विच इज सेव गार्डिंग द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ दिटिजन जिसके थ्रू वो बाकी एसोसिएशन में इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं साथ ही साथ में स्टेट जो है कोआर्डिनेटिंग रोल भी प्ले करता है of coordinating amongst various associations, and उनके बीच में अगर किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज हो जाए तो उसको भी रिजोल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है स्टेट के ही पास है तो अगर हम ये लार्जेस्ट सोसाइटी की आर्किटेक्चर को देखें तो सोसाइटी के अंदर हम देख रहे हैं अ नंबर ऑफ बॉडीज जो है एग्जिस्ट कर रही हैं तो चाहे ये चर्च हो सकता है ये फिल्म एंड मीडिया हो सकता है राइट आपकी ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं कॉर्पोरेशन हो सकती हैं एजुकेशनल बॉडीज हो सकती हैं एंड इन्हीं के साथ एक जो कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है वो कौन सा है कौन सी एसोसिएशन है वो स्टेट है इसके अलावा मेकाइवर जो है ही ऑल्सो वेंट अहेड एंड क्रिटिसाइज ऑस्टन का कॉन्सेप्ट ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी जहाँ पे लॉ को वो क्या बोलते थे कि आपकी लीगल सॉवरिनिटी जो है यूनिवर्सैलिटी एंड फॉर्मेलिटी की प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है सब पे एप्लीकेबल है एंड इस एप्सोलूट सॉवरनिटी को कोई जो है धिकार नहीं सकता ऑन दी अदर हैंड मेकाइवर बिलीव्स दैट स्टेट इट सेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ लॉ Right? So, state is not above law, rather than state has been made possible by law. Again, here you can give India's example. De sakte hai, right? That the Indian state itself is a creature of the constitution. It is defined and its powers are limited and given by the constitution of India. So, the reason we, we Bharat, India, became possible was through this constitution. इट्सैल्फ जो स्टेट और इसकी बॉडीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन को एक ग्रेटर लॉ को अडियर करना पड़ेगा एंड देफो द स्टेट इज वॉट द स्टेट इज बोथ द चाइल्ड एंड पेरेंट ऑफ लॉ एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम कहते हैं राइट कि स्टेट पॉसिबल हुआ ये स्टेट का आर्किटेक्ट पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ

वेरी इंपॉर्टेंटली सोसाइटी जो है अगेन यहाँ पे क्रिएटरेशन हो गई सोसाइटी क्या है जैसे कि डाल बोलते हैं इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंटली वो कहते हैं कि अगर ह्यूमन पर्सनैलिटी को हमने डेवलप करना है तो सिर्फ स्टेट नहीं बल्कि देर आर मल्टीपल एसोसिएशन जो कि एक नेसरी रोल प्ले करती हैं ना इंपॉर्टेंटली दीज एसोसिएशन मकईवर्सेज आर जस्ट एज नैचुरल एज द स्टेट मतलब ये भी कोई आर्टिफिशियल कॉन्सेप्शन नहीं होती है बल्कि जैसे कि एरिस्टोटल में भी हमने देखा था फैमिली इज ऑल्सो नेचुरल इंस्टीट्यूशन ट्राइब्स एंड विलेजेस वर ऑल्सो नेचुरल इंस्टीट्यूशन बट स्टेट वॉज गिवन दिस प्राइमरी स्टेटसमेट बॉडी राइट तो यहाँ तक तो वो अडियर करते कि देखिए फैमिली भी नेचुरल इंस्टीट्यूशन है चर्च भी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है बट स्टेट प्राइमरी नहीं है स्टेट सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये बाकी बॉडीज ये बाकी एसोसिएशन ये बाकी ग्रुपिंग्स भी जो हैं एक ह्यूमन बींग की डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी में एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं ठीक है सो स्टेट भी वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि एक आदमी की एक मैन की एक ह्यूमन बीइंग की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को उनकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है देन वेरी इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंटलीसाया बर्लिन जो है अगेन रिजेक्ट करते हैं मोनिस्टिक थॉट को वाई right? क्योंकि वो बोलते कि प्लूरलिस्ट सोसाइटीज ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोलते कोई भी मोनिस्टिक अगर स्टेट या सोसाइटी होता है उसके अंदर जो भी एक कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी या गुड लाइफ स्टेट ने ऊपर से इम्पोज कर दिया लोगों को वही फॉलो करना पड़ता है बट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी देर इज नो वन राइट आइडिया ऑफ अ गुड लाइफ देर आर मल्टीपल आइडियाज ऑफ गुड लाइफ जो कि को एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ राइट वन माइट फील दैट आई वॉन्ट टू बी अ वीगन आई वॉन्ट टू लिव अ सिंपल लाइफ Right? And I believe that is a good life. On the other hand, one might also believe that ki hai, itni education li hai. I want to be up in the hierarchy of corporates and I want to earn very well and I want to have a huge family and I want to live in a big city in a huge house. Right? So there can be alternate conceptions of a good life and therefore pluralist theory of state rather than. हैविंग स्टेट इम्पोज वन सिंगल गोल टू बी परस्यूड वो क्या कहते हैं कि देखिए मल्टीपलि मल्टीपल आइडियाज ऑफ गुड हो सकते हैं एंड ये जो लॉज हैं बेसिकली हेल्प करते हैं सोसाइटी को कि इनके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अपने अपने कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ को अच्छी तरह से फॉलो करके एक बढ़िया लाइफ जी सके ऑल एंड ऑल यूजिंग मैक्सी हम जो फीचर्स ऑफ प्लूरलिस्टिक थाट है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट है उनको हम तीन मेन पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं पहली चीज़ स्टेट जो है इज वन ऑफ द न्यूमरस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल ऑफ दीज ग्रुपिंग्स मच लाइक स्टेट आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द सोसाइटी देन वेरी इंपॉर्टेंटली जितनी भी ये डिफरेंट ग्रुपिंग्स हैं ये दे आर क्रिएटर्व ऑफ द स्टेट मतलब ये स्टेट ने नहीं बनाई है चर्च कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट ठीक है कॉरपोरेशंस ट्रेड यूनियंस ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑन द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ठीक है तो स्टेट द्वारा नहीं क्रिएटेड है बल्कि खुद ही कम अप हो जाती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दे वर्क इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द स्टेट एंड इनके फंक्शन जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एंड ज़रूरी है जैसे कि स्टेट के होते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट

एग्जिस्ट करती हैं सारी राइट एसोसिएशन साथ ही साथ में सब एक दूसरे के जितना ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं और पावर एग्जर्ट कर रहे हैं ऑन अदर हैंड आप ये भी कह रहे हैं कि इन एसोसिएशन को कोऑर्डिनेट करने का रोल और इनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हो जाए तो उस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का रोल स्टेट निभाता है

देयर इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी वी कैन ऑल्सो सी कि स्टेट इट सेल्फ का जो रोल है वो अब कोई सिर्फ नाइट वॉचमैन स्टेट या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट तो बन के नहीं रह गया है बल्कि स्टेट इट सेल्फ हैज़ नाउ इवॉल्ड इन टू परफॉर्मिंग अ प्लेथोर ऑफ रूल है तो जब हम वेलफेयरिज्म की बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं हम देखते हैं स्टेट सिर्फ पोलिटिकल फंक्शन नहीं सोशल फंक्शन इकोनॉमिक फंक्शन भी निभा रहा है टू इंश्योर दैट ह्यूमन बींग्सो स्टेट का रोल जो है इज मच मच लार्जर देन द रेस्ट ऑफ दिएशन देन लास्ट एक जो इम्पोर्टेंट क्रिटिसम आता है कम्स इन द फॉर्म ऑफ वट वी अंडरस्टैंड एज डी फॉर्म पॉलियर की जो की चार्ल्स लिडबॉर्म एंड लेटर ऑन इवन ड्रॉबल डाल ने जो है रॉबर्ट डाल ने जो है अंडरस्टैंड uh, किया एंड एक्सेप्ट किया कि ऑल एसोसिएशन्स के पास सेम इक्वल पावर्स नहीं होती हैं हैंशन्स के अंदर भी जो है देर आर अ नंबर ऑफ़ डिस्पैरिटीज ऑफ पावर्स इट्स फॉर एग्जाम्पल आपकी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस के एसोसिएशन है दे आर मच मोर पावरफुल देन से दलित और ट्राइबल ग्रुपिंग्स एंड देफो वो अपनी बात ज़्यादा फोर्सफुली एंड ज़्यादा पावर से एक्सर्ट कर पाएंगे विजोवी वीकर एसोसिएशन एंड ग्रुप्स जो कि सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं राइट एंड ऑन दिस नोट वी कैन कंक्लूड कि किस तरह से प्लूरलिज्म कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सो व्हेन इट कम्स टू डेवलप्ड मॉडर्न सोसाइटीज जहाँ पे स्टेट जो है कंप्लीटली डेवलप्ड है मॉडर्न है और सिविल सोसाइटी एक्सट्रीमली थ्राइविंग है वहाँ पे अ नंबर ऑफ दीज एसोसिएशन आर वेरी एक्टिव एंड प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो चाहे वो प्रेशर ग्रुप्स हो जैसे कि गन लॉबीज चाहे वो मीडिया हो राइट ये क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं इन डेवलप सोसाइटीज़ लाइक यू एस पर ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी लुक एट डेवलपिंग सोसाइटीज स्टेट जो है उसको एक प्राइमरी रोल दिया गया है इट्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उपेंद्र बख्शी बात करते हैं इंडिया में कि स्टेट जो है स्टेट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पोलिटिकल एंड सोशल रेवल्यूशन सोसाइटी नहीं कर रही है बल्कि स्टेट ही ये काम निभा रहे हैं जहां पे जो पूरा इकोनॉमिक सोशल या पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए स्टेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो चाहे वो कम्युनलिज्म हो इन सब को टैकल करने के लिए डेवलपिंग सोसाइटीज़ में स्टेट को एक प्रीएम्प्टिव एंड बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करना पड़ता है दैफो प्रोवाइडिंग स्टेट्स पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग सोसाइटी अ यूनिक स्पेस टू प्ले आउट दिस रोल एंड प्रोवाइड अ क्रिटिकल बैलेंस इन द इंटायर डेवलपिंग सोसाइटी स्टिल अंडर गोइंग मॉडर्नाइजेशन ठीक है बन जाएगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो की ट्वेंटी सेवेंटीन में आया था टेन मार्कर था ये अकॉर्डिंग टू श्री और बिंदो स्वराज इज अ नेरी कंडीशन फॉर इंडिया टू अकम्पलिश इट्स डेस्टीन रोल ग तो so क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि स्वराज सिर्फ क्या है वो कह रहे हैं कि बिंदु जी के हिसाब से स्वराज एक मेन क्राइटेरिया था जिसके थ्रू इंडिया अपना डेस्टीनड गोल अचीव कर सके ठीक है ये डेस्टीनड गोल क्या था बेसिकली पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को एक बेटर लाइफ एक बेटर वे ऑफ लाइफ की तरफ लेके जाना राइट तो अब इसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए इस तरह के आंसर का ठीक है कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली तो इसके अंदर कमेंट तो में बेसिकली आपने जो भी पॉइंट आगे रख रहे हैं राइट तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो मेन आर्ग्यूमेंट है जो आप जिसको आप जिसमें आपने पक्ष लेना है राइट सो फॉर एग्जाम्पल अगर स्वराज जो है एक नेसेसरी कंडीशन थी इंडिया टू रिसीव टू अकम्प्लिश इट डेस्टीनो गोल तो यू माइट अग्री टू इट राइट तो आपने इन अग्रीमेंट कुछ आर्ग्यूमेंट देने हैं और यूज कर सकते हैं एंड इनके थ्रू अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशियट करके इस क्वेश्चन का आंसर जो है लिख सकते हैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले यू हैव टू इंट्रोड्यूस एंड टॉक अबाउट द रेलिवेंस ऑफ ऑर बिंदो स्पेस इन इंडियन पोलिटिकल था किस तरह से ये वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर जो है माने जाते हैं ठीक है इन फैक्ट आप इस तरह के कॉमेंट्स भी यूज कर सकते हैं कि लुक uh, आर्ग्यू करते हैं कि किस तरह से ये एक रेडिकल थिंकर थे वेरी इंपॉर्टेंटलीवेंटी टू में इनका बर्थ हुआ था तो 2022 जो है इनकी वन बर्थ एनिवर्सरी भी है इनफैक्ट फैक्ट के अंदर वन ईयर 2021 ट्वेंटी ऑनवर्ड्स जो है एक शुरू हो गई थी इनके वन ईयर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी की कमेमोरेशन की जो सेलिब्रेशन थी ठीक है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है श्री औरविंदो uh, का थाट फॉर मेंस 2022 कीपिंग इन माइंड हिज वन फिफ्टियथ बर्थ एनिवर्सरी राइट तो अब पहले आप रेलिवेंस बता सकते हैं ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इनकी वन बर्थ एनिवर्सरी आपकी सॉर्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड को ये बताता है राइट देन वेरी इंपॉर्टेंटली यू मूव टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट विच इज़ क्या कॉन्सेप्शन ऑफ स्वराज था इसके क्या क्या डिफरेंट फैसेट्स थे एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये इतना ज़रूरी क्यों था इंडिया के डेस्टीनड गोल को अचीव करने के लिए इन कंक्लूजन आप इनकी कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस एक्सेट्रा के बारे में पॉइंट आउट कर सकते हैं किस तरह से बाकी थिंकर्स इनसे इंस्पायर हुए थे उसके बारे में बात कर सकते हैं टू प्रोवाइड अ गुड कंक्लूजन ठीक है अब श्री और बिंदो जो है करण सिंह डॉक्टर करण सिंह टॉक्स अबाउट और बिंदो गोस्ट एंड कॉल्स हिम द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जिनको रिगार्ड किया जाता है कई बार एज अ मिस्टिक पोएट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एज अ रेडिकल थिंकर ऑफ नेशनल मूवमेंट वेरी इम्पॉर्टेंटली और बिंदु घोष के जो आइडियाज़ थे ऑफ डिफाइनिंग नेशन एंड नेशनलिज्म आइडियाज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस इंटेग्री ह्यूमन यूनिटी एंड स्वराज इनकी इस रेडिकल नेचर को भी जो है रिप्रजेंट करते हैं अब क्या था ये आइडिया ऑफ स्वराज अब औरबिंदो गोश हम ऑफन हम गांधी जी के बारे में बात करते गांधी जी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था उनका स्वराज के बारे में बात करना गांधी जी से पहले भी औरबिंदो गोश ने आइडिया स्वराज के बारे में बात की थी इनफैक्ट इवन बिफोर पूर्ण स्वराज बिकेम अ गोल बाय द आई इन इट्स लाहौर सेशन इट वाज औरबिंदो गोश वुड हाईलाइटेड द नीड फॉर कम्प्लीट इंडिपेंडेंस फ्रीडम ऑफ़ पूर्ण स्वराज ठीक है एंड दिस फ्रीडम ऑफ स्वराज वॉज ऑल्सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मतलब ये ना ही सिर्फ पोलिटिकल स्वराज था बल्कि इंटरनल स्पिरिचुअल स्वराज भी जो था उसका एक कॉम्पोनेंट ये माना जाता था ठीक है इंपॉर्टेंटली नाउ ये कहते हैं कि ये जो फ्रीडम ये जो लिबर्टी के लिए क्रेविंग है ये हर ह्यूमन हार्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है एंड विदाउट इट देयरफॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है वो हमेशा ही हाफ आर्टेड रहेगी अब देवर फोर रीजंस जिसके कारण उन्होंने बोला कि ये स्वराज जो है इम्पोर्टेंट है जरूरी है सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो स्वराज है ये नेशनल लाइफ के लिए जरूरी है राइट एंड देफो इट इज अ गुड इन इट राइट तो ये मीनस टू एन एंड नहीं है बल्कि एन एंड इन इट सेल्फ है कि इंडिया की जो नेशन की इंटायर लाइफ है एक बेटर एग्जिस्टेंस है उसके लिए ये जरूरी है देन सेकेंडली उन्होंने बोला कि अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की भी बात करें चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कोई भी डेवलपमेंट हो दैट डेवलपमेंट के नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट स्वराज देन वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने बोला दैट नॉट जस्ट फॉर नेशनल लाइफ और फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट बट इन फैक्ट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इसकी वेदांतिक विजडम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एंड ये वेदांतिक विजडम को अगर हम रिट्रीव एंड फुलफिल करना चाहते हैं हमें कलोनियल माइंड सेट एंड रूल से जो है अपना पीछा छुड़वाना पड़ेगा एंड देफो स्वराज इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर दैट एज वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट He said that in the larger scheme of things, India's independence is not just important for the Indian society, for the development of Indian citizens, but in fact, it is also important for the humanity at large. तो उनका मानना था कि इंडिया की फ्रीडम के बाद जो कुछ ऐसे वेदांतिक नॉलेज इंडिया अनकवर कर पाएगा एक फ्री इंडिया जी पाएगा उसके थ्रू दे विल बी एबल टू सेट एन एग्जाम्पल जिसको फॉलो करके द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द ह्यूमैनिटी एट लार्ज आल्सो विल बी एबल टू इनकाउंटर एंड विटनेस स्पिरिचुअल इमैनसिपेशन दैफो इंडियन नेशनलिज्म वॉज नॉट कंसिव्ड ओनली इन नैरो इंडिया डिराइविंग यूज आउट ऑफ इट बल्कि आइडिया कहते हैं और रविंद्र Then वेरी वेरी importantly उनका मानना था कि ये जो फ्रीडम या स्वराज है सिर्फ political स्वराज नहीं होगा बल्कि it विल also be accompanied by both रिलीजियस एज वेल एज कल्चरल अवेकनिंग ऑफ द कंट्री राइट और इसके थ्रू हम क्या रीच कर पाएंगे वी विल बी एबल टू अटेन सुप्रीम हैप्पीनेस जिसको बुलाते हैं सचित आनंद सच्चा आनंद ट्रू हैप्पीनेस, सुप्रीम हैप्पीनेस तो इनफैक्ट हियर यू कैन इवन कंपेयर हिम टू ग्रीक थिंकर्स ग्रीक थिंकर लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल हु

आनंद तो अब आपने इंटरलिंकेज ड्रॉ कर दी किसके साथ ग्रीक थिंकर्स के साथ भी देन वेरी इंपॉर्टेंटली विद इन द स्वराज का आइडिया वॉज द आइडिया ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दिस रोड टू स्वराज जो है इसके अंदर हमें फेथ की जरूरत है कन्विक्शन की जरूरत है इंड्योरेंस की जरूरत है सैक्रिफाइस की जरूरत है जहां पे ही क्रिटिसाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का और बिंदो गोश्त के टाइम पे क्या फेज चल रहा था मॉडरेट्स का फेस चल रहा था राइट सो ही सेड दैट बाय प्लेकेटिंग द इंग्लिश पार्लियमेंट और आपके ये ऑफ अपील्स एंड दलील के थ्रू जो है आप स्वराज अचीव नहीं कर पाओगे व्हाट कैन बी द रूट टू स्वराज इट इज थ्रू पैसिव Right? So, इसीलिए उनका मानना था कि आपको नेशनल लेवल पे पैसिव रेजिस्टेंस को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जिसके अंदर स्ट्राइक्स एंड पेजेंट अपराइजिंग राइटिंग इवेंट ये सब जो है इन्वॉल्व होगी Then वेरी इंपॉर्टेंटली ही व्यूड स्वराज एज अ धर्म सिस्टम यहाँ पे ए कुमार जो है इस चीज के ऊपर और इलेबरेट करते हैं वो कहते हैं दैट व्हेन और बिंदु घोष कॉन्सेप्चुलाइज ऑफ स्वराज दिस स्वराज जो है इन इनफैक्ट इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड नंबर ऑफ अदर कॉन्सेप्ट्स तो ये स्वराज जो है सिर्फ खाली फ्रीडम नहीं था

नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट टू दर वर्ल्ड इनफैक्ट वो कहते हैं कि पूरी दुनिया को ये सीखने की जरूरत है बिकॉज आपकी जो डेमोक्रेसी या आपके आइडियाज हैं वो ट्रू फ्रीडम ट्रू इक्वालिटी के साथ अकम्पनी नहीं हुए हैं जिसके कारण यू हैव फॉलोड दाथ ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड right? so he says that in fact west can also learn from india and द kind ऑफ swaraj ke ideas jisko hum conceive kar rahe hain तेन वेरी इम्पोर्टेंटली ये जो स्वराज का आइडिया था दिस वॉज टू बी स्प्रेड थ्रू द आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन इनके लिए स्वराज को फुलफिल करने के लिए नेशनल एजुकेशन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड वाई बिकॉज स्वराज इज नॉट मेरली पोलिटिकल बल्कि इंटरनल स्पिरिचुअल स्वराज के लिए लोगों का अवेयर होना जरूरी है एंड ये अवेयरनेस कब पॉसिबल है वेन यू योर सेल्फ आर एजुकेटेड बाई मीन्स ऑफ नेशनल एजुकेशन so, उनका मानना था mindset, आपको के को तोड़ना पड़ेगा एंड एक नेशनल एजुकेशन के सिस्टम को लाना पड़ेगा टू ओपन अप योर माइंड्स टुवर्ड्स स्पिरिचुअल स्वराज इनफैक्ट यहां पे भी आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं विद वेस्टर्न थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड रूसो जिन्होंने अंडरलाइन की थी दी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन वेन इट comes to the pursuit of uh you know a good life in society and the kind of life that was being imagined for people then very very importantly the swaraj was also a divine concept देवश्री बैनर्जी यहाँ पे बात करती है कि स्वराज क्या था ये स्वराज पॉलिटिकल आइडियल के साथ साथ एक स्टार्टिंग पॉइंट था इनवर्ड जर्नी का भी ठीक है तो इंडिया के लिए ये इनवर्ड एक इंट्रोस्पेक्शन जो है वो भी इंपॉर्टेंट था वाई बिकॉज दिस वॉज लिंक्ड नॉट जस्ट टू ग्लोबल ह्यूमैनिटीज डेवलपमेंट बट ऑल्सो द यूनियन विद डिवाइन ठीक है तो उनका मानना था कि हम सबके अंदर डिविनिटी एग्जिस्ट करती है हम सबके अंदर एक आइडियो स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट करता है इस स्पिरिचुअल को पॉलिटिकल के साथ इंटरलिंक करने के लिए स्वराज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ठीक है तो ये स्वराज जो है हमने दोनों ही आउटवर्ड ऑपरेशन से भी छुटकारा दिलाएगा एंड साथ ही इनवर्ड इंट्रोस्पेक्शन के पाथ में भी जो है आगे लेके Right, so for these various reasons, Swaraj therefore became very very important for India to achieve its destiny of A becoming an independent country, B ensuring development of its masses, C enabling the development of larger humanity and the world, and Sati Satme enabling the linkage of the divine with us mere mortals. Right. Being able to explore and find the divinity. Within us, and being able to link our political desti destiny with that larger divine force, with that larger divine thought and spirituality. Which is very important. The. Right? In conclusion, mein we can then talk about that these similar ideas of spirituality, swaraj, passive resistance came to be later developed by Mahatma Gandhi. Who used these tools and concepts to build a mass movement, which therefore made the Indian independence possible. In fact, even after Aurobindo Ghosh's move away from politics <coughs> towards a more spiritual sphere, <coughs> did not mean that his thought became any less important. While this interlinkage of political and spiritual, jo hai, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड परसिस्टेंट जो है आगे चल के कंटेम्प्रेरी इंडिया के लिए भी बन गया ठीक है इसीलिए जो बहुत ही फेमस हिस्टोरियन आरसी मजूमदार है वो बुलाते हैं औरबिंदो घोष को एज अ मीटियोर इन इंडियन पॉलिटिक्स उतने ही फॉर्सफुल उतने ही शॉर्ट शॉर्टलिव थे वो राइट दैट एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ के वो और विल के अंदर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करने चले गए थे बट यू वन हुट अ वेरी वेरी ह्यूज इम्पैक्ट In Indian politics and Indian political thought. On this note, we end the answer. Right? Hopefully, you have understood. And very sorry for my voice. that I am still recovering from COVID, so there is still uh, slight throat problems which I am encountering. Ho hopefully, uh, you have And we'll see you in the next lecture.